विधवा स्त्री का दुख, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक स्त्री मेरे पास में आई, अप्रॉक्सीमेटली उसकी एज 35 साल की, और उसको डिप्रेशन हुआ है। डिप्रेशन ये बात का है कि उसका पति मर गया था, एक्सीडेंट में मर गया। अभी उसका इनकम सोर्स जो है वो कम हो गया। छोटे छोटे दो बच्चे हैं तो उनके खर्चे हैं, उसको स्कूल में भेजना है, और ऐसा लगता है कि अभी आसमान नीचे गिर रहा है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। वो किसको कुछ बोलती है सपोर्ट करने के लिए, या कुछ ऐसा किसको किसके पास में अप्रोच करती है, तो लोग उसको गलत नज़रे से देखते हैं, गलत नज़रिया रहता है। देखो क्या होता है कि विधवा स्त्री तो लोगों को लगता है कि ये उपभोग्य वस्तु है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हस्बैंड नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं रहता है, तो उसकी शारीरिक भूख है, मानसिक भूख है, तो लोगों को लगता है कि हम ये पूरी करेंगे दोनों भी, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोगों की नज़र अलग रहती है। देखिए उसकी भी भावना है, नेचुरल है कि उसको भी शरीर सुख चाहिए, उसको भी मानसिक सपोर्ट चाहिए, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए, मगर इसका मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने उसका गलत फ़ायदा उठाना है करके। उसका सपोर्ट करना काम है, लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, मगर वो भावना से कोई देखता नहीं है। और उसकी वो बीमारी थी कि भाई मुझे कोई अच्छा देखता ही नहीं है, लोग कमेंट करेंगे, लोग अलग नज़रिए से देखेंगे, और सपोर्ट भी करना है, हेल्प भी करना है, तो उनको उसके बदले क्या मिलेगा, ऐसी उनकी भावना रहती है। तो फिर ऐसे इसमें उसका जीना कितना मुश्किल हो जाता है। कुछ समाज में ऐसा होता है कि वो दोबारा शादी भी नहीं कर सकते, एक बार शादी होगी फाइनल। मैं तो ऐसा बोलूँगा कि मैंने उनको ये बोला कि भाई आपके समाज में ऐसा है क्या? बोले नहीं, हमारे समाज में ऐसा नहीं है। मतलब फिर आप शादी कर सकते हैं ना, आपकी उम्र सिर्फ 35 साल की है, पूरी ज़िंदगी बाकी है अभी, और तो आप शादी क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कौन शादी करेगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसा नहीं होगा, मतलब इस तरह के उसके काफ़ी सवाल थे, और अपने ख्यालों में वो डिप्रेस हो गई थी। तो उसको मैंने काउंसिलिंग के लिए बोला कि भाई हम काउंसिलिंग करेंगे, और काफ़ी सारे नींद डिस्टर्ब है, डिप्रेशन है, तो मैंने उसको थोड़ी मेडिसिन दिया। और उसको काउंसिलिंग में मैंने यही बताया कि भाई ठीक है, और आपको जो भी है वो वास्तवता का सामना करना पड़ेगा, आप इनकम सोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको शादी करनी है कि जहाँ आपको लगता है कि नहीं, यहाँ मैं सुख से जी सकूँगी, जिसके साथ में शादी करेंगी उसको सपोर्ट कर सकूँगी। आजकल बहुत वेबसाइट्स है शादी की, काफ़ी सारे संकेत स्थल है कि जहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी चॉइसेस भी मिल सकते हैं। एज ए सोशल पर्सन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि ऐसी व्यक्ति है, ऐसी विधवा स्त्री है, तो उसका दुख हमने पहचानना चाहिए, हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके भाई, उसकी फैमिली होंगी तो बहुत ही अच्छा है, मगर ऐसा नहीं है, या उसको वो भी देख नहीं रहे, तो हमारा काम है एज ए सोसाइटी कि उनको हम सपोर्ट करें, उनकी सिक्योरिटी देखें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके बारे में गॉसिपिंग ना करें, और उनका गलत फ़ायदा ना उठाएं। ये भी हम करते हैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हम कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।